नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज डिस्कस करते हैं हम राहु और चंद्रमा, राहु मून कंजंक्शन के बारे में, कि राहु और चंद्रमा की अगर युति एक राशि में होती है तो उसका क्या परिणाम होगा। इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें ये जो एनालिसिस है ये बहुत ही जेनरिक एनालिसिस है। इसको आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी अपनी निजी कुंडली के प्लेसमेंट्स पर डिपेंड करेगा। जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ दो ग्रहों को ले रहा हूँ, एक राहु को और एक चंद्रमा को। मैं ये नहीं देख रहा कि उसमें कौन सा नक्षत्र है, ये नहीं देख रहा कि उसमें कौन से ग्रह साथ में है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है, उनका नवांश में स्थिति क्या है, मैं कुछ नहीं देख रहा, क्योंकि मैं वो नहीं देख सकता। वो आपकी अपनी निजी कुंडली के एनालिसिस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपको राहु और चंद्रमा के बारे में बहुत विस्तार में जानना है तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लें, अगर आपकी कुंडली में राहु चंद्र कंजंक्शन है तो। राहु और चंद्रमा का कंजंक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन है। ये बहुत अच्छा भी कर सकता है और बहुत बुरा भी कर सकता है। ये क्या करेगा, ये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको मिले पूरी जानकारी इस कंजंक्शन के बारे में। और आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप और मैं जुड़े रहें। तो राहु और चंद्रमा क्या होते हैं? राहु एक छाया ग्रह है, वो एक मायावी ग्रह है। राहु इस दुनिया के संसार के मायाजाल को निर्धारित करते हैं, इसको चलाते हैं ग्रह के हिसाब से। राहु अपने आप पे एक मैथमेटिकल पॉइंट है, और जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है वैसे राहु एक नॉर्थ पोल है। उत्तरी ध्रुव यानी कि राहु, उसमें से फोर्स बाहर निकलती है, ठीक उसी तरह से जैसे किसी भी फिजिक्स के डाइपोल में नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती है। तो एक्स्ट्रोवर्ट प्लैनेट है, ये चीजों का अतिशयोक्तिपूर्ण रूप, ये चीजों का इल्यूजन, जो छाया होती है जो कि शैडोई है, सीक्रेटिव है, मैनिपुलेटिव है, और जिसको बोल सकते हैं अनरियल, अनरियलिस्टिक सिनेरियोज, और जिसका अस्तित्व क्षणभंगुर हो, राहु उन चीज़ों को दर्शाते हैं। राहु एम्पलीफायर हैं, बहुत तेज भागने की कोशिश करते हैं, सेल्फिश हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से करवाने की चाहत रखते हैं। हमारे पौराणिक कथाओं में बहुत सारे ऐसे आप बोल सकते हैं कि सिम्बॉलिक मीनिंग है, छुपी हुई है इसमें। जैसे कि राहु को स्वर भानु राक्षस का, दैत्य का शीर्ष माना गया है, सिर माना गया है, यानी कि इनका शरीर नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है, यानी राहु अपने आप में सिर्फ एक सोच है। यानी कि राहु सॉफ्टवेयर की तरह है जिसको हार्डवेयर चाहिए अपने आप को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। तो राहु अपने आप को बार बार एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमारा ही प्रयोग करेंगे, हमारे शरीर का, हमारी सोच का प्रयोग करेंगे। इसीलिए राहु को चंद्रमा बहुत प्रिय हैं, क्योंकि राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण भी लगाते हैं, यानी कि उसमें अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं और अपने आप को उन जैसा, यानी कि उनको अपने आप जैसा बनाने की, यानी कि छाया में लेकर के ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी अपनी सोच पर अगर कोई और सोच प्रभावित हो जाए तो उसे हम ग्रहण कहेंगे, ओवरराइड हो जाता है यहाँ पे। तो चंद्रमा जो कि मन का कारक है, इमोशंस के कारक हैं, संवेदनाओं के कारक हैं, आपकी सिंपथी, आपका पर्सपेक्टिव जो लाइफ का है, आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं चंद्रमा। तो वो जो पर्सनालिटी का जो रिफ्लेक्शन चंद्रमा का आता है, वही आपके नेचर को, आपके आपके अवतार जो आपका है इस जन्म में, उसको दर्शाता है, उसको समझाता है, उसको प्रोजेक्ट करता है। इसीलिए शायद हम एस्ट्रोलॉजी में जन्म राशि और जन्म नक्षत्र को चंद्रमा से देखते हैं और उसी से हम नेचर को निर्धारित करते हैं, क्योंकि चंद्रमा वो दिखाते हैं कि आप रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हो। लोग जब आपको देखते हैं तो जो अपने बारे में जानते हैं, सपोज आप सोचते होगे कि आप मिलते हो किसी से और लोगों को बोलते हैं कि यार आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ये कैसे होता है? ये तब होता है जब आपका चंद्रमा अच्छा होता है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करोगे। जब राहु चंद्र कंजंक्शन आ जाता है तो एक अजीब टाइप का मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाता है, क्योंकि राहु मिस्टीरियस है और चंद्रमा नेचर है, तो इंसान का नेचर बहुत ही मिस्टीरियस हो जाता है। लोगों को समझने में इसमें दिक्कत होती है और
एक मैजिशियन की तरह इंसान प्रोजेक्ट होने लगता है। अभी एक अच्छा है या बुरा है तो देखिए इस परिस्थिति पर डिपेंड करेगा, आप इसका कैसे इस्तेमाल करें उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, आपका चंद्रमा वीक है या आपका चंद्रमा स्ट्रांग है। अगर आपका चंद्रमा चलिए स्ट्रांग है तो यहाँ पे चंद्रमा को राहु परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा एक अपने आप में एक वेव है और राहु आप बोल सकते हैं कि एक एम्पलीफाइंग वेव है, उसको मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है। तो जब एक वेव के ऊपर दूसरी वेव सुपर इम्पोज करती है तो उसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव, जो बेसिक फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है वो दो तरीके की होती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हो गया जिसमें ए वन प्लस वन टू हो जाता है, यानी कि चंद्रमा को राहु प्रोपेल करता है और बड़ा करने के लिए, यानी इंसान का मन और बड़ा हो जाता है, वो बड़े बड़े काम करता है, वो ज़्यादा ऊंची सोच रखता है, वो धरती के बाहर जाने की कोशिश करता है, वो ऐसा काम करने की कोशिश करता है जो किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि राहु है ही ऐसा, एक्सप्लोरिंग द बाउंड्री, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, न्यू लाइफ, न्यू कर्मा, न्यू वेंचर्स, जो कभी नहीं किया वो चीज़ें करना, जहाँ पे कोई हाथ नहीं डालता वहाँ जाना, ये राहु का काम है, ये राहु का कर्म है। तो वहाँ पे चंद्रमा आपके मन को वहाँ लेके जाते हैं, ऑकल टाइप बना देता है, सुपरनेचुरल कर देता है, आपका कनेक्शन डिवाइन वर्ल्ड से ज़्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि अच्छा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वन प्लस वन टू हो रहा है, तो आप बड़े आदमी बन जाते हो, आपकी सोच बड़ी हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, उस पर नहीं जाते। और क्या करेंगे, क्या देखेंगे अगर चंद्रमा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर चंद्रमा आपका नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे वन प्लस वन टू नहीं हो रहा है, यहाँ पे वन माइनस वन जीरो हो रहा है, या वन माइनस हाफ हाफ हो रहा है, तो ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। यानी कि यहाँ पे राहु अपना दबदबा चंद्रमा पे बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे चंद्रमा भयभीत हो जाता है, मन डरने लगता है, आपको डर लगने लगता है, आपको अंधेरे से डर लग सकता है, आपको अनजाना भय आपके ऊपर ग्रसित कर लेता है आपको, और आपको समझ नहीं आता कि आप उस भय से मुक्ति कैसे पाएं, जबकि आपको उसका सोर्स नहीं समझ में आएगा कि वो आ कहां से रहा है। अजीब सा इल्यूजन होगा मन में और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है लाइफ में बहुत ही जिसको बोल सकते हैं अजीब सी हो जाएंगी। लोग कहेंगे कि ये कैसे एक्सपेक्टेशन है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इम्पॉसिबल चीज़ों को आप सोचने लगोगे, जो कि कह सकते हैं कि आपको लगेगा कि शायद वो पॉसिबल हैं, पर मे बी इन रियलिटी वो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप जितना मर्जी दीवार को धक्का दे लो, दीवार एक आम इंसान से मूव नहीं करने वाली। तो वहाँ पे अगर आपका चंद्रमा अच्छा है और आपको इंजीनियरिंग सॉल्यूशन चाहिए तो देखिए वो तो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप वो धक्का मारोगे कि एक बना बनाया घर है, आप उसमें पुश कर रहे हो दीवार को। तो यानी कि यहाँ पे एक्शन जो हैं आपके वो एक ऐसे टाइप के हो जाते हैं जो कि राहु से ग्रसित हो जाते हैं। तो राहु पहले आपको उस मायाजाल में फंसाते हैं, पहले आपको ल्यूर करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी देंगे जो आपसे फटाफट हो जाएंगी, आपको बहुत ही आकर्षित चीज़ों के प्रति भेजने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे आपको एक ऐसा अट्रैक्टिव फीचर देने की कोशिश करेंगे कि आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जब आप उसमें जाते हो तब आपको रियलाइज़ होता है, जैसे कि नशा बाहर दिखने में कूल लगता है, बहुत लगता है कि यार सही है, मैं कूल लग रहा हूँ, बड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ, मैच्योर्ड लग रहा हूँ। बच्चे सिगरेट पीते हैं, उनको लगता है कि वो कूल लग रहे हैं, वो राहु है, धूम्रपान राहु धुआं है। लेकिन जब उसका बुरा असर हमारे जीवन पे पड़ने लगता है और जब इंसान एडिक्टेड हो जाता है तब उसे समझ में आता है कि गलती हो गई। यहाँ पे राहु मून जो कंजंक्शन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। राहु मून कंजंक्शन अगर बहुत करीब हो जाए तो इसे हम मातृ दोष भी कह सकते हैं, चंद्रमा पे दोष लग जाता है, ग्रहण दोष कह सकते हैं इसको। इसमें सोच पे ग्रहण लग जाता है, इंसान दरिद्र रूप से सोचने लगता है, गलत स्वभाव रखता है, गलत तरीके की सोच रखता है और गलत कर्म कर बैठता है। अभी आपका राहु मून है मतलब आपके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हज़ार इसमें फैक्टर्स जुड़े हैं। तो अगर आपका राहु मून कंजंक्शन है और आप किसी भी तरीके की परेशानी में, या जो मैं बता रहा हूँ आप थोड़ा भी रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से उसका परामर्श लें, उसका निवारण कराएं, क्योंकि इसका शांति से निवारण करना ज़रूरी है। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर एक्सटर्नल है, बाहरी रूप से है, तो उसका निवारण आप कर सकते हो, दवाई खा सकते हो, कुछ कर सकते हो उसके लिए, लेकिन अगर आपकी सोच में प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले तो आपको इसमें बदलने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि किसी कोई आपको आपका क्रिटिसिज्म करेगा, आपके बारे में आलोचना करेगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी आलोचना स्वीकार करनी पड़ेगी किसी ऐसे सिद्ध पुरुष से जो आपके बारे में गलत नहीं सोचते हैं, आपके हितैषी से। फिर आपको अपने दोस्तों प्रियजनों की सलाह लेनी पड़ेगी, ज्योतिषी परामर्श लेना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को सुधार सकें। यहाँ पे जो सुधार जो
कार्य है वो आपको स्वतः खुद से ही शुरू करना पड़ेगा, स्वयं सुधार कार्य वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने आप को एक अलग डोमेन में, एक अलग तरक्की में पा सकते हो। एक अच्छी बात यह है राहु मून कंजंक्शन की कि चंद्रमा मन है, मन आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा खराब भी हो तो अगर आप सही तरीका अगर अपनाते हैं, सही मार्ग अगर चुनते हैं तो आप चंद्रमा को पॉजिटिव कर सकते हैं। ये एक क्वालिटी होती है चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है और मन हम है, हमारा एक शरीर शारीरिक रूप है, माने कि इमोशनल बॉडी है वो, मन शरीर बोलते हैं उसको। उस शरीर को हम आत्म शरीर और आध्यात्म शरीर से नियंत्रित कर सकते हैं, तो आध्यात्मिक हो जाने के कारण राहु मून कंजंक्शन किसी भी परिस्थिति में हो पॉजिटिव हो जाता है। बीइंग स्पिरिचुअल इज वन वे आउट फ्रॉम दिस। ये एक चक्रव्यूह की तरह आपको फंसा सकता है, डिप्रेशन में डाल सकता है, सुसाइडल टेंडेंसीज क्रिएट कर सकता है, खासकर अगर 6, 8, 12 में है तो। तो ये सब चीज़ें अगर आपके मन में आ रही हैं, आप अपनी कुंडली देखो लिए, आप देखेंगे क्या आपके कुंडली में राहु मून कंजंक्शन है, क्या आपकी राहु चंद्र की महादशा अंतरदशा किसी भी तरीके से ये कनेक्टेड है। अगर हाँ तो आपको ये सोच आपकी नहीं है, ये सोच राहु की है। राहु की सोच को नियंत्रित करने के लिए, जिसको कहते हैं ना कि असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतमगमय, ओम शांति शांति शांति, सो तमस से ज्योति की ओर आपको आगे बढ़ना, ये आपका अपना कर्तव्य बनेगा। ताकि आप, जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता। तो सबसे पहला कदम आपका होना चाहिए प्रकाश की ओर। मैं पुनीत सिस्ट्रोलॉजी हिंदी का होस्ट पुनीत आपसे इस वीडियो के साथ अलविदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप और मैं जुड़े रहें। थैंक यू पुनीत सिस्ट्रोलॉजी के वीडियो को देखने के लिए, और बाकी ज्योतिष के और वीडियो से जुड़ने के लिए आप चैनल एक्सप्लोर करें, बहुत सारे वीडियोज और आएंगे। देखते रहें पुनीत सिस्ट्रोलॉजी। नमस्ते।